नमस्कार दोस्तों, कारपेंटर शैलेश पंचाल चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 2021 के नए बेडरूम का डिज़ाइन। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैंने इसका जो वर्क है वो भी दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, यहीं से आप वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में आपको।
दोस्तों इसमें हमने पीवीसी लेमिनेट का इस्तेमाल किया है, साथ में इसको चिपकाने के लिए प्रो बॉन्ड का इस्तेमाल किया है। तो ये रहा मेरे पास 1 kg का प्रो बॉन्ड का डिब्बा, और साथ में ही दोस्तों मैं आपको पीवीसी लेमिनेट का सैंपल भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सिल्कन कंपनी का हमने इसमें पीवीसी लेमिनेट इस्तेमाल किया है और वाइट कलर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा, और साथ में ही हमने इसमें दूसरे कलर में लेमिनेट का इस्तेमाल किया है जो पीवीसी नहीं है, हमारा जो सादा वाला लेमिनेट होता है वही है। और इसको यहाँ पे प्रेसिंग करने के लिए हम यहाँ पर वाइस का प्रयोग कर रहे हैं। पीवीसी लेमिनेट को चिपकाने के लिए सिर्फ आप इसमें फेविकोल प्रो बॉन्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें दोस्तों आप फेविकोल मरीन है या ब्लू कोट मरीन है, फेविकोल का उपयोग आप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ये कामयाब नहीं है। इनमें सिर्फ आप प्रो बॉन्ड का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ मैं आपको आधा और अधूरा काम दिखाता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों लेमिनेट अभी बाकी है लगाने का, तो चलिए आगे मैं आपको ड्रेसिंग का जो अलमारी है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आप देख सकते हैं इसमें हीटेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लेमिनेट के मुकाबले पीवीसी लेमिनेट को फिनिशिंग करना बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। प्रो बॉन्ड के साथ लेमिनेट के जॉइंट को चिपकाने के लिए दोस्तों हम इसमें साथ में फेविकोल हीटेक्स का भी आधा इंच में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसमें आज तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, सिर्फ हम जॉइंट में आधा इंच में ही हीटेक्स का इस्तेमाल करते हैं और आज तक दोस्तों कोई प्रॉब्लम भी हमें इसमें नहीं हुई है। तो आप दोस्तों इसमें हीटेक्स का सिर्फ आधा इंच में इस्तेमाल कर सकते हैं।